फिरोजाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुख्यालय के निर्देशानुसार 4 जनवरी को संपूर्ण भारत के सभी चिकित्सकों के लिए विरोध दिवस मनाया और अपनी चिकित्सकीय सेवाएं काला बिल्ला और काली पट्टी बांध कर दी। IMA के पदाधिकारियों ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि NMC बिल 2017 जो कि लोकसभा में लंबित है, IMA पहले से ही पूरे देश में इसका विरोध कर रही है क्योंकि ये बिल पूरी तरह अलोकतांत्रिक व गरीब विरोधी है। इस संदर्भ में IMA अमेंडमेंट बिल 2018 और CPA बिल 2018 भी दिसंबर में लोकसभा में पास किए गए हैं। ये भी अलोकतांत्रिक व गरीब विरोधी हैं क्योंकि CPA 1986 जिसमें कि जिला कमीशन में मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है और स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिया गया है। इससे छोटे अस्पताल एवं क्लिनिक चलाने वालों को मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टरों की फीस एवं अस्पतालों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा जो गरीबों की पहुँच से बाहर हो जाएगा। यह बिल पूरी तरह से गरीब विरोधी है व कॉरपोरेट कल्चर को समर्थन देने वाला बिल है, इसलिए IMS का बिल कड़े शब्दों में विरोध करती है। उस समय में एक ज्ञापन लोकसभा सांसद फिरोजाबाद अध्यक्ष यादव को उन्होंने आवास पर दिया। वार्ता के दौरान IMA फिरोजाबाद शाखा अध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र गर्ग, सचिव डॉक्टर अभय गुप्ता, कोषाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत चौरसिया के साथ मुख्य रूप से डॉक्टर SP सिंह चौहान और डॉक्टर RV शर्मा, डॉक्टर RC चौधरी, डॉक्टर पुरुषोत्तम भाटिया, डॉक्टर अवनीश पालीवाल व डॉक्टर दीपक गुप्ता व डॉक्टर विवेक अग्रवाल आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सुनील कुमार निषाद की रिपोर्ट। ये एक सरकार ने लोकसभा में एक नेशनल मेडिकल कमीशन बिल रखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल रखा है, मेनली उस मुतल्लिक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल या एक्ट तो पहले से था, अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो रखा गया है उसमें उन्होंने ज्यूरिसडिक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट का, पहले 10 लाख तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट में होते थे, 1 करोड़ तक के केसेस स्टेट में होते थे कंज्यूमर फोरम में और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल फोरम में होते थे। अब इन्होंने घटा के इसको ज़िले में ही 1 करोड़ तक के केसेस हो जाएंगे, 10 करोड़ तक के स्टेट में होंगे और 10 करोड़ से ऊपर के नेशनल फोरम में होंगे। तो इससे अब ये होगा कि जो भी CPA के केसेस होंगे नेचुरली वो कोई भी आदमी करोड़ से कम क्यों करेगा। और आप ये देखिए कि डॉक्टर्स के अलावा किसी भी और संस्था में इतना बड़ा पेनल्टी मॉनिटरी नहीं लगाई जाती है कहीं भी। जैसे आप रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए या कोई पुल गिर जाए या सरकारी उससे कोई आदमी मर जाता है तो 2 लाख या 5 लाख की उसको अनुदान मिलता है सिर्फ उनके घर वालों को। डॉक्टर पे करोड़ों में केसेस होते हैं, जैसे एक केस नेशनल फोरम में 11 करोड़ तक का अवार्ड हो चुका है। तो अब अगर इतने बड़े केसेस लगेंगे तो अगर एक डॉक्टर पे ज़िंदगी में एक केस भी करोड़ों का लग गया तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से लाएगा या क्या करेगा, कैसे करेगा। और करेंगे तो फिर वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, तो मरीजों से ही आएंगे, गरीब मरीजों से ही निकाले जाएंगे। और या इंश्योरेंस इतने बड़े बड़े किए जाएंगे, ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे और वो उस फीस बढ़ा दी जाएगी। तो अल्टीमेट इसमें गरीबों का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सब नुकसान होगा, पक्के तौर से नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम या तो हम सीधे मरीज देखना बंद कर देंगे, उसको टाल देंगे जिससे कि मॉर्टेलिटी हो ही नहीं, अगर देखेंगे तो हम बीमा कराएंगे करोड़ों का, उसके पैसे ज़्यादा देंगे, उसी हिसाब से फिर फीसें बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली हज़ारों लोगों का नुकसान होगा। किसी को एक को अवार्ड भी हो गया वो तो फ़ायदा एक को होगा, हज़ारों लाखों लोगों का तो नुकसान ही होगा। तो गरीब लोगों के लिए नुकसान का ही होगा। अभी तो आज तो हमने ये विरोध दिवस मना रहे हैं, काली पट्टी बांध के प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, एक मेमोरेंडम MPs को दे रहे हैं। और अगर इसके बाद भी आगे बढ़ेगा तो हम इससे आगे अब या तो हड़ताल करेंगे या उस पर जाएंगे, अपने काम रोको उस पर अभियान करेंगे पूरे देश भर में। ये पूरे देश भर में हो रहा है आज विरोध दिवस।